रवि नाइक। उज्जैन जिले के नागदा में कांग्रेस कमेटी द्वारा सोनभद्र में प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करने पर योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। कांग्रेस पार्टी के सुबोध स्वामी का कहना था कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में आदिवासियों की सरेआम हत्या कर दी गई थी, उनके परिवार से मिलने जाने पर प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और अस्थायी जेल में रखा गया। वहां का पानी और बिजली भी बंद कर दी गई। इससे सिद्ध होता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर यूपी सरकार का चेहरा उजागर हुआ। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना, किसी अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना भारतीय जनता पार्टी की नजर में गलत हो गया। सोनभद्र में आदिवासियों की हत्या हुई, प्रियंका गांधी जी उनके परिजनों से मिलने गई, उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जिस अस्थाई जेल में रखा गया उसका बिजली और पानी तक बंद कर दिया गया। यह स्पष्ट प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व से घबरा गई और आम जनता की, दलित, गरीब, आदिवासियों की आवाज़ को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके विरोध में आज